कोई साधारण कन्या नहीं है जनक। इस धनुष से तुम्हारी पुत्री का भविष्य जुड़ा हुआ है जनक। ये धनुष निर्धारित करेगा कि भविष्य में सीता का योग्य वर कौन। इस क्षण से लेकर मृत्यु जब तक हमें अलग ना करते। एक अप्सरा कैसे बनी त्रिजटा राक्षसी? रावण की लंका में एक ऐसी राक्षसी थी त्रिजटा, जिसका जन्म एक राक्षस के कुल में हुआ था। त्रिजटा रावण को गलत मानती थी, वहीं भगवान विष्णु की पूजा किया करती थी। वो दिल से देवियों की तरह थी। रावण द्वारा सीता का अपहरण करने के बाद उनकी जो जिम्मेदारी दी गई थी वो त्रिजटा को दी गई थी। त्रिजटा सुलेखा नाम की एक अप्सरा हुआ करती थी, जो इंद्रदेव के दरबार में मनोरंजन किया करती थी। सुलेखा को चित्रसेन नाम के एक गंधर्व से प्यार था। वो दोनों इंद्रदेव के दरबार में मनोरंजन किया करते थे। एक दिन ऐसे ही सुलेखा और चित्रसेन इंद्रदेव के दरबार में मनोरंजन कर रहे थे कि तभी नाचते नाचते सुलेखा का ध्यान भटक गया और वो रोने लगी। तभी वहां भगवान नारद आ गए। उन्होंने पूछा, हे सुलेखा, तुम क्यों रो रही हो? तब सुलेखा ने कहा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है, इसलिए मुझे डर लग रहा है। तभी नारद जी ने कहा कि अभी तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारे साथ भविष्य में क्या होने वाला है, तो उसके बारे में सोचकर क्यों परेशान हो रही हो? बहुत कोशिश करने के बाद फिर भी नारद जी ने सुलेखा को कुछ नहीं बताया। उन्होंने कहा कि जो भी कुछ तुम्हारे साथ होगा वो तुम्हें पता ही चल जाएगा। फिर एक दिन सुलेखा और चित्रसेन पृथ्वी पर गए। वहां की सुंदरता और नेचर को देखकर सुलेखा और चित्रसेन मंत्रमुग्ध हो गए। वहीं एक झरने के नीचे एक नदी में दोनों पानी के अंदर खेलने लगे। वहीं नदी के किनारे एक चट्टान पर दुर्वासा ऋषि तपस्या कर रहे थे। सुलेखा और चित्रसेन जब खेल रहे थे तो पानी के कुछ बूंदे बार बार दुर्वासा ऋषि के ऊपर गिर रहे थे। उनकी तपस्या में भंग पड़ रहा था। बार बार पानी के छींटे उनके ऊपर गिरने की वजह से ऋषि दुर्वासा ने अपनी आंखें खोली और उन्होंने सुलेखा और चित्रसेन से कहा कि सुलेखा, मैं जानता हूं तुम एक अप्सरा हो, लेकिन आप लोगों की वजह से मेरी तपस्या में भंग पड़ रहा है, इसलिए आप दोनों यहां से चले जाए। तभी सुलेखा और चित्रसेन ने उनकी ये बात नहीं मानी और सुलेखा हंसकर कहने लगी, ये जगह आपकी नहीं है, ये जगह सब लोगों की है। सुलेखा को ये नहीं पता था कि दुर्वासा वो एक ऐसे ऋषि है जिन्हें बहुत जल्दी गुस्सा आता है और वो बहुत जल्दी श्राप भी दे देते हैं। ऋषि दुर्वासा कहते हैं कि ऋषि की बात न मानना राक्षसियों का काम है और तुमने ठीक वैसा ही किया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम अगले जन्म में राक्षस कुल में पैदा होगी। इतना सुनते ही चित्रसेन उस ऋषि के पैरों में गिर पड़े और उनसे माफी मांगने लगे। उन्होंने कहा कि सुलेखा को माफ कर दीजिए, उसे आपके बारे में पता नहीं था। ऐसा सुनते ही सुलेखा भी उस ऋषि के पैरों में गिर पड़ती है। तो दुर्वासा ऋषि कहते हैं, जिस तरह एक बार तीर धनुष से निकल जाता है और वापस नहीं आता, उसी तरह कोई भी दिया हुआ श्राप वापस नहीं लिया जा सकता, लेकिन तुम इतनी विनती करती हो तो तुम्हें एक वरदान भी देता हूं। तुम्हें उसी जन्म में नारायण और नारायणी के दर्शन होंगे, तब तुम अपने इस राक्षसी श्राप से मुक्त हो पाओगी। तो इसी तरह दुर्वासा ऋषि के चलते सुलेखा को त्रिजटा का जन्म मिलता है और उन्हीं ऋषि के वरदान की वजह से उन्हें सीता माता के रूप में नारायणी की सेवा करने का मौका मिलता है और श्री राम के रूप में नारायण के भी दर्शन हो जाते हैं। इसी वजह से त्रिजटा को उसके राक्षसी अवतार से मुक्ति मिलती है।